और लोहिया परीक्षा के लिए उपस्थित सिद्धार्थ नगर जनपद के सभी दर्शकों, मैं इतना धन्यवाद इस संस्था के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह को देना चाहूंगा इस उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए। उतना ही धन्यवाद आप सबको दूंगा क्योंकि आप सबकी उपस्थिति यहाँ अन्य प्रदेशों से आए हुए जो कलाकार हैं उनके उत्साह वर्धन का काम करेगी। किसी भी कार्यक्रम में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका कार्यक्रम के आयोजकों की होती है, कार्यक्रम के संचालकों की होती है, कार्यक्रम करने वालों की होती है, उससे कम महत्वपूर्ण भूमिका दर्शकों की, श्रोताओं की नहीं होती। आप सब बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। जनपद सिद्धार्थ नगर बहुत समृद्ध जिला है, लेकिन ऐसे आयोजनों से लोगों में धीरे धीरे कला साहित्य संस्कृति के प्रति और रुझान पैदा होगा। आप जानते हैं कि नाट्य कला की उत्पत्ति भगवान शंकर के तांडव नृत्य से हुई और नाट्य शास्त्र का जो प्रथम ग्रंथ लिखा गया वो आचार्य भरत मुनि ने लिखा। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस संस्था ने आज जनपद सिद्धार्थ नगर में इस राष्ट्र के अनेक प्रदेशों से उच्च कोटि के कलाकारों को आमंत्रित किया है। जब पहली बार अजीत सिंह जी मुझसे मिले, मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे यहाँ पर इनको श्रोता मिलेंगे, दर्शक मिलेंगे, कैसे ये तमाम खर्च वहन करेंगे और कैसे दूसरे प्रदेशों से जो कलाकार आएंगे उनको कितनी असुविधा होगी, कहाँ टिकेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन जब व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, ये कठिनाइयाँ कोई मायने नहीं रखती। मैं यहाँ आए हुए दूसरे प्रदेश से जो कलाकार आए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस छोटे से जिले में, जो कि पूर्वांचल का बहुत बहुत पिछड़ा जिला हुआ है, उस जिले में आकर के यहाँ के दर्शकों को, यहाँ के श्रोताओं को अपने उत्कृष्ट कला के माध्यम से स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र में, नाट्य कला में भाषा का प्रश्न गौण हो जाता है, नाट्य कला में भाषा का प्रश्न गौण हो जाता है और नाट्य कला के माध्यम से जो सामाजिक सरोकार हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने में और जो समाज में विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने में और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में नाट्य शास्त्र और नाट्य कला और जो ये चार दिनों का यहाँ पर मंचन होगा वो अत्यंत उपयोगी और सार्थक होगा। मैं पुनः आप सबके बीच बाधा न बनते हुए सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस स्तरीय कार्यक्रम की सफलता की मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।